नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी कोई इधर चला कोई उधर चला। आज पूछेगा उत्तराखंड कि आखिरकार उत्तराखंड पर, उत्तराखंड की सियासत पर दल बदल का कलंक आखिरकार कब तक, आखिरकार जनता के साथ धोखा कब तक, आखिरकार ना सिद्धांत ना विचारधारा आखिरकार कब तक। जो होता आया था वो आज भी हो रहा है, आखिरकार कब तक। हरक सिंह रावत उत्तराखंड की सियासत में विवादों का दूसरा नाम। हरक सिंह रावत विवादों की फहरिस्त अगर शुरू की जाए तो 3 घंटे की जो फिल्म होती है बॉलीवुड वो भी कम पड़ जाए। साल 2002 से लेकर 2022 आ गया, उत्तराखंड को बने एक के बाद एक चुनावों के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो हर बार हरक सिंह रावत के साथ एक विवाद का इतिहास अध्याय उन पन्नों में दिखाई दे जाएगा। सिर्फ हरक सिंह रावत ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की सियासत में कई ऐसे किरदार हैं जो चुनाव आता है तो कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर। अब सवाल यह कि लोकतंत्र के मंदिर में तो ये जनाब पहुंच जाते हैं मगर उस आवाम का क्या जिसके साथ धोखा होता है। उदाहरण के तौर पर कोटद्वार से इस बार विधायक बने थे, पिछली बार रुद्रप्रयाग से बने थे, उसके पहले एक नई सीट थी और हर बार एक नई सीट होती है। इस बार भी नई सीट की तलाश में बवाल हुआ कहने को, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट 2 महीने पहले से लिखी जानी शुरू। हरीश रावत का सीधे तौर पर वो ट्वीट आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था मगरमच्छ वाली बात, तब भी न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने ठोक बजा के कहा था कि उससे ठीक 2 दिन पहले हरक सिंह रावत के साथ कुछ नेताओं की कांग्रेस आला कमान के साथ मुलाकात जिसकी भनक हरीश रावत को लगी और उसके बाद ये पूरा बवाल। और अब हरक सिंह रावत यहां पलटे तो कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने बीजेपी में पाला बदल। अभी तो यह खेल शुरू हुआ है, प्रकरण शुरू हुआ है। जैसे किशोर उपाध्याय को लेकर चर्चाएं थी रात के अंधेरे में शॉल ओढ़कर किशोर उपाध्याय बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात करने पहुंचे, उसके बाद कांग्रेस ने भी उन पर कार्रवाई सभी पदों से हटा। अभी तो यह खेल शुरू हुआ है उत्तराखंड, और चुनाव होता है और हर बार ऐसा होता है, इस बार भी हो रहा है। अब हरक सिंह रावत आंसू बहा रहे, रो रहे, अब ये पश्चाताप के आंसू हैं। और सवाल यह कि जब ये पश्चाताप के आंसू है तो 4.5 साल कोटद्वार की जनता ने भी तो आंसू बहाए, उन आंसुओं का हिसाब कौन देगा, बीजेपी या फिर कांग्रेस? यह दल बदल का खेल आखिरकार कब तक चलेगा? कोई बीजेपी में आता है तो कोई कांग्रेस में शामिल हो जाता है, कोई कांग्रेस को छोड़ता है कोई बीजेपी में आ जाता है, कोई बीजेपी को छोड़ता है कांग्रेस में आ जाता है, आखिरकार ये खेल कब तक? और सियासत के नजरिए से उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों को पलटे तो सिर्फ 2016 का ही किस्सा याद नहीं आता, इससे पहले भी कई किस्से हुए, दल बदल का खेल हर बार हुआ। मगर हरक सिंह रावत, जैसे कि मैंने कहा कि विवादों का दूसरा नाम, और इस बात की क्या गारंटी कि वो एक बार फिर से अगर गए हैं तो अकेले नहीं, या जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे। लेकिन इतना भी सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी ने हरक की हैकड़ी निकाल दी? सीता रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, और आपको बता दें कि आज हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के चेहरे जुड़ेंगे। बीजेपी से कुंवर जितेंद्र साहब जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के चेहरे हैं, उत्तराखंड की सियासत के जाने माने चेहरे हैं कुंवर जितेंद्र साहब। साथ ही साथ संगीता शर्मा कार्यक्रम ज्वाइन कर चुकी हैं जो कि आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा है। संगीता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में अंकुर जी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो कि कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले
मैं शुरुआत कुंवर जपेन साहब आपके साथ करना चाहूंगा। कुंवर जपेन साहब आज बड़े खुश लग रहे हैं आप, मैं जान सकता हूँ क्यों? व्यक्तिगत सवाल है, चेहरे पर मुस्कान। सबसे 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 बड़ा खुशी का कारण ये है कि आज इस डिबेट में आपने डिबेट शुरू होने से पहले ही उत्तराखंड की सारी तस्वीर निकाल के रख दी, क्योंकि आप और हम पिछले 20 सालों से उत्तराखंड की राजनीतिक गतिविधियां उतार चढ़ाव और जो साजिशें हैं उनको हम महसूस करते रहे हैं, देखते रहे हैं। और आपके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत बेबाकी से अच्छे और बुरे का आकलन खुल के करते हैं बिना किसी पक्षपात के, तो जो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से प्रदेश के अंदर एक संदेश भी जाता है और विशेष रूप से हम जैसे लोगों को तो एक राजनीतिक और सामाजिक चेतना के रूप में आप जैसे मीडिया पर्सन के साथ काम करने में, डिबेट करने में बहुत अच्छा महसूस होता है, फक्र महसूस होता है। तो ये आप भी जानते हैं कि उत्तराखंड हमारा एक छोटा सा प्रदेश है और इन 20 सालों के प्रदेश में चंद ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने डे वन से उत्तराखंड की राजनीति को या तो कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग की परिपाटी पे लाने का प्रयास करा समय समय पर, या उसे दूषित करने का प्रयास करा, या लोकतंत्र की जो एक स्वस्थ परिभाषा होती है उस परिभाषा को नकारते हुए कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ की राजनीति और जिस तरह से एक जो तिकड़मबाजी की राजनीति होती है उसका एक ऐसा आयाम फिट करने का प्रयास करा, और कहीं ना कहीं वो इसमें कामयाब भी होते चले गए। वो तो कामयाब होते चले गए, उनके परिवार भी बढ़ते चले गए, उनकी अपनी निजी संपत्तियां भी बढ़ती चली गई, लेकिन उससे प्रदेश को क्या मिला, प्रदेश को क्या मिला? और बात शुरू होती है 2017 से। 2017 के बाद जैसे ही 2014 में केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उसके बाद राज्यों के चुनाव हुए और 2017 में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो निश्चित तौर पर 2014 के बाद देश के अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक परिपाटी में एक उस बने बनाए चलन से अलग हटकर एक समाज हित की, जनहित की उस राजनीति की परिपाटी पर आगे चलने का प्रयास किया जाने लगा जिसमें भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। तो ये आप भी समझते हैं कि लोकतंत्र की अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन धीरे 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 जो ये प्रक्रिया आगे चल रही है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो कहीं ना कहीं उसका असर सभी भाजपा शासित राज्यों में देखने के लिए नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे पहले राजनीतिक मंचों पर अपने शासित राज्यों में जहां भाजपा शासित राज्य हैं परफॉर्मेंस आधारित राजनीति के मंच को आगे बढ़ाने का एक नया काम शुरू करा, जिसे हम एक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के तौर पर भी देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी हमारे पास तो नोटा भी 2015-16 में आया था, उससे पहले आप रिकॉल टू कैंडिडेट, अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहां रिकॉल टू कैंडिडेट है, अगर कैंडिडेट ठीक काम नहीं कर रहा है, कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कहीं उसकी कार्यप्रणाली पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो जनता 33% वोट उसके अगेंस्ट जाके उसे रिकॉल कर लिया जाता है। हम अभी उस एडवांस स्टेज पे नहीं गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक मंच से, विचारधारा से एक ऐसी शुरुआत हुई है कि निश्चित तौर पर जिन लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी उन्हें चेतावनी दी जाती है, चाहे वो विधायक हो चाहे वो मंत्री हो, और अगर उसके बावजूद भी उनके 5 साल का ग्राफ देखा जाता है और निश्चित तौर पर जब लगता है कि इन लोगों को आगे नहीं बढ़ाना है, इनकी परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में भी वीक रही, आगे भी वीक रहेगी, तो निश्चित तौर पर उनके टिकट काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के मंच से शुरुआत हुई है। कुंवर साहब, कुंवर साहब, मैं उस विषय में जा ही नहीं रहा जो बातें आप कह रहे हैं, मैं आपका बहुत व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ, बात कर रहा हूँ, प्रदेश हित की ही बात कर रहा हूँ, मैं उस विषय में जा ही नहीं रहा क्योंकि मैं भी आपको पिछले 20 साल से लगभग हो गए आप लोगों के साथ डिबेट करते हुए, आप लोगों के साथ रहते हुए, ये बेबाकी इसलिए आती है क्योंकि ये कलम गुलाम नहीं है, आप जानते हैं। और मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं, मेरा चिंता का विषय ये है कि ये दल बदल का जो कलंक लगा हुआ है ना उत्तराखंड, वो दाग नहीं धुल पा रहा, वो दाग नहीं धुल पा रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? आज आप रो देते हैं, ये पश्चाताप के आंसू नहीं है, ये 4.5 साल जो कोटद्वार की जनता रोई है उसका हिसाब कौन देगा फिर? और ये दल बदल का खेल कब तक चलेगा? कुंवर साहब, फिर इसका जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पे इसके जिम्मेवार हम ही लोग हैं, हम लोग मतलब जो हम सियासतदान हैं,
तो निश्चित तौर पर ये तो अब जनता को जागरूक होना चाहिए, और इस तरह के जो लोग परफॉर्मेंस में भी पीछे हैं और फिर राजनीति में बने हुए हैं, फिर अपने धन बल या अन्य हथकंडों से दोबारा फिर विधानसभा में पहुंचने के रास्ते तलाशते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें जनता को जवाब देना पड़ेगा, और यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिपाटी भी। हरक सिंह रावत ने जो जनता के साथ धोखा किया कोटद्वार में, उसके लिए बीजेपी माफी मांगेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बात आप कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम बिल्कुल आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें बर्खास्त करके, और पिछले 1-1.5 साल से जिस तरह से उन्हें बार बार समझाने का प्रयास किया जा रहा था, उनकी परफॉर्मेंस को लेके प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, संगठन और सरकार ने कई बार उन्हें चेताया, उन्हें बताया और उन्हें ये भी जताने का प्रयास करा कि इस तरह से कहीं ना कहीं आप प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये बर्खास्तगी की कार्रवाई अचानक नहीं हुई है कि 2 दिन में ये निर्णय ले लिया गया हो। पिछले मैं जानता हूँ, से अगर आप देखें उनकी कठोर प्रणाली, दो महीनों से लगातार बैठकें चल रही थी दिल्ली में, ये आप लोगों को ही मालूम है, और आप ही के नेता मुझे खूब गरियारे थे, खूब गरिया रहे थे। मैं अफवाह फैला रहा हूँ, मैं अफवाह नहीं फैला रहा था, मैं बता रहा था कि दो महीने से ये बैठकें चल रही थी। हम आपसे सहमत हैं, लेकिन जब जब चुनाव पास आते हैं तो बैठकों का दौर सभी दलों के नेताओं का चलता है, पक्ष विपक्ष का चलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही है स्वच्छ राजनीति की, प्रदेश के हित की राजनीति की, विकास पूर्वक। 2013 में आपके साथ आगे तब स्वच्छ राजनीति नहीं थी, तब ये स्वच्छ राजनीति थी, यही हरक सिंह रावत 9 विधायकों का 14 लेकर आए थे, तब ठीक थे आपके लिए। तो आप ये बताइए ना कि उन नौ विधायकों में से अधिकतर विधायक जो हैं राष्ट्रीयता के सांचे में फिट हो गए ना, प्रदेश के विकास के लिए और एक प्रतिनिधि होने के नाते उनकी परफॉर्मेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी में उनके पास सुधार हुआ तो चले गए, कुंवर साहब पिता और पुत्र भी तो चले गए जिनको आपने रातों रात टिकट दिया था, पिता को भी और पुत्र को भी। वो प्रकरण आप ही जानते हैं, हरीश रावत जी ने जो दलित मुख्यमंत्री का कार्ड पंजाब में खेला और उसके बाद उत्तराखंड में आके उन्होंने कहा हमें भी यहाँ पे एक दलित चेहरा चाहिए मुख्यमंत्री का, और इस वो बैला फुसला के यशपाल आर्य जी को ले गए, लेकिन आपको नहीं लगता कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा होने जा रहा है? भाई यशपाल आर्य जी को अभी तक कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का चेहरा क्या घोषित करा, जो उन्हें शगुफा दे के या जो उन्हें प्रलोभन दे के वो भारतीय जनता पार्टी एक मुख्यमंत्री का प्रलोभन देके आए, तो क्या हरीश रावत जी ने उत्तराखंड कुंवर साहब, तो ये अपनी और गलती है। ओके कुंवर साहब, लेकिन संगीता शर्मा जी, ये दल बदल का खेल कब तक चलेगा? ये जनता के साथ, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ आखिरकार कब तक चलेगा, कब तक संगीता जी? बीजेपी 21 वर्षों से उत्तराखंड में है और इनका, और देखिए जब कल तक हरक सिंह रावत जी भाजपा में थे या संजीव आर्या जी और यशपाल आर्या जी भाजपा में थे तो वो बिल्कुल, वो दूसरी पार्टियों में चले गए तो वो गलत हो गए। गलत की बात नहीं है, सिर्फ उन्हें मुख्यमंत्री का प्रलोभन हो गया, यहाँ उन्हें गलत की बात ही नहीं हो रही है। और जो अब सरिता आर्या जी है वो अब भूतपूर्व विधायक है, कांग्रेस की महिला प्रदेशाध्यक्ष रही है और बात बहुत साफ सुथरी छवि की महिला है, और उनका जब कांग्रेस में सम्मान ही नहीं हुआ तो उन्होंने उन्होंने मजबूर होकर कहा कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी ये भी देखती है कि किस व्यक्ति का समाज क्या 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 उसका प्रभाव है और क्या उसकी समाज के अंदर इमेज, क्या मतलब है? तो दोनों ही पार्टियों में जो नेता है अपने आप नहीं मिलेगा, इनको कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिलेगा। नहीं, अब आप जनता ने इन्हें वोट दिया है, जनता ने इन्हें विधायक बनाया है, तो ये उन विकास के मुद्दों की भी बात करें तो क्योंकि जो नेता और विधायक बने हुए हैं ये केवल अपना और अपना विकास चाहते हैं, इसीलिए उत्तराखंड आज विकास नहीं दे पा रहा। ये भारतीय जनता पार्टी के मंच पे संभव नहीं है ना, अब वो भारतीय राजनीति में वो दिन लग गए जब नेता अपने स्वार्थ की राजनीति करता था, केंद्र से लेकर प्रदेशों तक भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक मंचों पर भाजपा शासित राज्यों में अब ये स्वार्थ की राजनीति संभव नहीं है। 2022 में उत्तराखंड की जनता के सामने क्योंकि एक तीसरा विकल्प है, 21 वर्षों से कोई ऐसा विकल्प नहीं था जिसे जनता
नहीं नहीं संगीता जी, अब एक तीसरा विकल्प जनता के समक्ष खड़ा हो। संगीता जी, संगीता जी, आप जिसे आप कह रहे हैं ना कि ये हमारा प्लस पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके नेताओं के संपर्क में भी कई कांग्रेस के नेता थे, कई बीजेपी के नेता थे, वो आपके द्वार पर आए नहीं, आप कह रहे कि देखिए हम तो गंगा नहा लिए, क्योंकि वो आपके द्वारा आए नहीं, है कि नहीं? अगर आपके द्वारा आते तो आप भी ले लेते कि वेलकम किशोर भाई, आप भी आ जाओ, हरक भाई आप भी आ जाओ, जितने भाई है सब आ जाओ, वो आपके द्वारा आए नहीं, इसलिए आपने कहा कि देखिए हमने तो किसी को लिया ही नहीं। संगीता जी, संगीता जी के सिग्नल में प्रॉब्लम आ रही, कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुंवर साहब मुझे एक बात बताइए, अब संगीता आर्य जी को भी तो टिकट देंगे ना आप, नहीं देंगे? देखिए तिलक जी, आप भी बेहतर समझते हैं, अगर हम सरिता आर्य जी की बात करें, संगीता आर्य जी पूर्व विधायक रही हैं और एक प्रदेश के चाहने वाले नेताओं में वो भी शुमार होती हैं। अब वो कांग्रेस में थी, ठीक है, उनकी निष्ठा थी, वो कांग्रेस में थी, वो कांग्रेस की महिला प्रदेश, आपको उनकी निष्ठा क्यों खत्म हुई? क्योंकि आपने एनएच माफ करिएगा, एनएच का जिक्र नहीं कर रहा मैं, आपने वो नैनीताल का जिक्र कर दिया, तो आप बता दीजिए ना कि उनकी निष्ठा क्यों खत्म हुई कांग्रेस से, वो भी बता दीजिए। आप बेहतर जानते हैं, महिला सशक्तिकरण की और जो महिलाओं को सम्मान देना या महिलाओं को नेतृत्व का अधिकार देना, ये कांग्रेस में संभव नहीं है। कांग्रेस में महिलाओं को नेतृत्व के लिए आगे बढ़ाना, विशेष रूप से उत्तराखंड के अंदर, ये बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रहा है पिछले काफी समय से, अगर आप देख रहे होंगे तो। निश्चित तौर पर अगर वो जनता के बीच में लोकप्रिय हैं, वो विकास पूर्वक राजनीति करती हैं और एक महिला सम्मान की दृष्टि से उन्हें अगर मौका मिलना चाहिए तो निश्चित तौर पर उनकी साफ छवि को देखते हुए उत्तराखंड का भला होगा, कुंवर साहब ईमानदारी से, इससे उत्तराखंड का भला होगा? आप एक बार प्रश्न दोहराएंगे, आपका प्रश्न साफ नहीं आया। मैंने पूछा इससे उत्तराखंड का भला होगा, लगता है आपको इससे उत्तराखंड का कुछ भला होगा? अगर उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड का हित चाहने वाले सभी लोग उत्तर प्रदेश के विकास पूरक राजनीति को अपनाएंगे तो निश्चित तौर से उत्तराखंड का भला होगा, और भारतीय जनता पार्टी ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल फिट करती हुई दिख रही है। पिछले इतने लंबे समय से अगर आप देखें, बिना घोटाले की सरकार उत्तराखंड के अंदर या तो नारायण दत्त तिवारी जी के समय में आई थी और या 2017 से ये 22 में आई है, ठीक है, समय समय पर कुछ घोटाले का राज खुलेगा कैसे? लोकायुक्त कहाँ है? जो आचार संहिता का उल्लंघन के आरोप लगे आपकी सरकार पर, वो कौन सा घोटाला था फिर? शिक्षा विभाग, संगीता शर्मा जी, अब कांग्रेस जनों के पास और तो कोई मुद्दा है नहीं, तो निश्चित तौर पर वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ तो बात कहेंगे ना, लेकिन ये उत्तराखंड की जनता जानती है कि पहली बार नरेंद्र तिवारी के बाद उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त 5 साल का भारतीय जनता पार्टी ने शासन दिया है। लोकायुक्त ले आते सर, लोकायुक्त को ले आते, कोई दिक्कत नहीं। ओके संगीता शर्मा जी, मैं कह रहा हूँ कि ये दल बदल का कलंक कोरोना काल में तो ये दल बदल से उत्तराखंड का नुकसान हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये दल बदल की राजनीति से उत्तराखंड की जनता का नुकसान हो रहा है, उत्तराखंड के लोगों का नुकसान हो रहा है, जहां से पहले चुनाव लड़ते हैं वहां कुछ काम नहीं किया है, वहां की जनता लड़ना चाहते हैं, तो ये दल बदल की राजनीति से हमारे कुंवर भाई कह रहे थे कि घोटाला और टेस्टिंग घोटाला इतना बड़ा, और भाजपा ने तो जितने घोटाले किए उतने किए ही नहीं। नहीं नहीं संगीता जी कोई घोटाला नहीं हुआ उत्तराखंड में आज तक पता है आपको, कोई घोटाला ही नहीं हुआ उत्तराखंड, ना 56 घोटाले हुए, ना 156 घोटाले हुए, ना कुंभ घोटाला हुआ, ना डेटाबीज प्रकरण घोटाला हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई घोटाला ही नहीं हुआ, इसलिए तो लोकायुक्त की जरूरत महसूस नहीं हुई। खैर छोड़िए, हम घोटाले नहीं खेलेंगे, घोटाले हमने 2005-06 से ही घोटाले खेलते हुए आ रहे, आज 2022 आ गए, एक भी घोटाला, एक भी मंत्री संतरी कोई नहीं,
ये सब घोटाले घोटाले चलते रहते हैं। खैर छोड़िए, लेकिन कुंवर साहब जी, ये स्वच्छता की राजनीति होगी कैसे थे? ये तो फिर जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए, जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए उनको 2016 में साथ लाकर 2017 में आपने अपनी कैबिनेट का हिस्सा बना लिया। आधी से ज्यादा कैबिनेट आपकी कांग्रेस ही रही। लेकिन आप इस चीज को भी तो महसूस करिए कि जितने भी लोग आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति में बदलाव आया, उनके कार्य प्रणाली में बदलाव आया। अब आप अगर हम देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुधारने की बात करें, देश को, राज्यों को भ्रष्टाचार मुक्त करने की, तो हमें कोई तो कार्य प्रणाली में बदलाव आया। तिलक जी, हमारी एक मिनट, 60 सेकंड लेंगे हम, सिर्फ 60 सेकंड। कितना विकास कर दिया कुंवर जी? 60 सेकंड लेंगे हम, 60 सेकंड बात, फिर उसके बाद हम सवाल सुनेंगे। तो निश्चित तौर पर इस लोकतंत्र के अंदर आज जैसे जैसे हम आजादी के 100 सालों के पास पहुंच रहे हैं, तो जो 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 काम बहुत पहले केंद्र में होने चाहिए थे, केंद्र की सरकारों के माध्यम से होने चाहिए थे, क्योंकि केंद्र की राजनीति ही राज्यों की राजनीति को कहीं ना कहीं बांध के रखती है और उन्हें कंट्रोल करती है और उन्हें एक एक प्लेटफॉर्म देती है और उनके उन्हें विजन भी देती है। तो निश्चित तौर पर जब केंद्र में 2014 के बाद से भ्रष्टाचार मुक्त शासन को लेके जिस तरह से नीतियां और रीतियां बन रही हैं, उनके एक्सपेरिमेंट राज्यों में हो रहे हैं, तो आप यकीन मानिए और आप थोड़ा सा पत्रकारिता से हटकर एक आम हिंदुस्तानी की नजर से भी देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में रहते हुए कहीं ना कहीं राज्यों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और राजनीतिक लोगों के, जो महत्वपूर्ण तथ्य है सबसे, कि राजनीतिक लोगों के भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने की दृष्टि से बहुत कदम उठाए जा रहे हैं, जिनका प्रभाव भी दिखने को आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये सुधारों का ही पक्ष है कि इस तरह से कड़े निर्णय भी लिए जा रहे हैं। और राजनीति तो वही करेंगे ना जो राजनीतिक चेहरे होंगे, लेकिन अब उनके माथे पे तो किसी के नहीं लिखा हुआ है ना कि वो कैसी राजनीति करेगा, वो कितना ईमानदार है, कितना बेईमान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास पैरामीटर है ना, वो जो बीजेपी आरोप, एक मजबूत मंच तैयार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रहा है और निश्चित तौर पर उसका कहीं ना कहीं असर भी नजर आ रहा है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में, भविष्य में आप देखेंगे तो ये जो राजनीतिक गंदगी की सफाई, राजनीतिक भ्रष्टाचार की सफाई बहुत अच्छे और सलीके से जा रही है। कुंवर भाई मेरे सवाल को बोल कर दिया। संगीता जी अपनी बात रखिए, फिर मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ। संगीता जी, जो भाजपा में चला जाएगा वो तो वैसे भी सही हो जाएगा। देखिए कम से कम आप नहीं है तिलक भाई, यहाँ की जनता, आप अगर किसी मंच पे काम हो रहा है तभी आप लोग, तभी आप लोग जो भाजपा के मंच पे जाएगा वो शुद्ध हो जाएगा। ये शुद्धिकरण से मुझे गुजरना पड़ता है, इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है और निश्चित तौर पर हम शुद्धि प्रणाली को सुधार जवाबदेही तय की जाती है भारतीय जनता पार्टी का मंच पर। भ्रष्टाचार किया है, जो भी भ्रष्टाचार आखिर किए किसने, क्योंकि 21 सालों में आप यहाँ की सत्ता को पर बैठने के लिए, तो वो भी उत्तराखंड बर्बाद हुआ है और जो भी कर्जा उत्तराखंड के ऊपर संगीता जी के सिग्नल में दिक्कत आ रही है, कनेक्ट कर रहे हैं दोबारा से। संगीता जी सिग्नल में दिक्कत आ रही है। लेकिन कुंवर साहब, ये वही सवाल घूम के आ गया जिसका जवाब आपने मेरे को नहीं दिया था जी। वो ये कह रहे हैं भ्रष्टाचारी तो आप ही के साथ आ जाते हैं ना, जिनके ऊपर आप आरोप लगाते हैं। आदि से ज्यादा कैबिनेट, धामी कैबिनेट हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट हो, तीरथ कैबिनेट हो, वो आदि से ज्यादा कैबिनेट कांग्रेस ही थी, ठीक ही नहीं? अब आप ये बताइए, चलिए हम आप ही के सवाल को आगे बढ़ा लेते हैं, हम आप ही की बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचारी आपने अपने दल में शामिल कर लिया, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में आके उसे भ्रष्टाचार करने की छूट मिली? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आकर मतलब पहले खून किया और खून माफ कर दिया आपने। आपने कहा कि पहले वाला खून नहीं किया, इसलिए खून हमारी और तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे।
आपके अपने मंत्री विधायक भ्रष्टाचार का आरोप जो तो जिस पे भी आरोप लगा उसके खिलाफ आपको कार्रवाई होती हुई नजर आई, और भविष्य में भी इसी तरह जहां जहां भ्रष्टाचार नजर आएगा भारतीय जनता पार्टी के मंच के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कितने नेताओं पर कार्रवाई हुई घोटालों की आपने जांच करा ली? और हम आपको अभी लेटेस्ट एक मुद्दा बता देते हैं ना, आज तक आप सुनिए 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 वो झील वाला, डोई वाला झील वाला प्रकरण बता रहे हैं, बताइए वो झील वाला, अभी झील वाला नहीं बता रहे, झील वाला प्रकरण नहीं बता रहे हम, जिला पंचायत उत्तरकाशी वाला प्रकरण बता रहे हैं। आज तक 21 साल के समय में आज तक कभी भी उत्तराखंड के अंदर पंचायतों के भ्रष्टाचार के ऊपर किसी सरकार ने कार्रवाई नहीं करी, करी तो भारतीय जनता पार्टी ने करी। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोरोना काल में वहां घोटाला हुआ, अधिकारी उसमें शामिल पाए गए, जिला पंचायत अध्यक्ष उसमें शामिल पाया गया, सरकार ने तुरंत बर्खास्त करा, संगठन और सरकार के माध्यम से तुरंत सारी जांचें बैठी, तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही है। हम खुद उस मामले को लेकर न्यायालय में गए, मैं बताता हूँ, चलिए झील वाला मत बताइए, यही वाला जो बता रहे हैं वो पता क्यों हुआ? क्योंकि कुंवर साहब मुखर हो गए थे उसको लेकर, कुंवर साहब तथ्यों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए वो कार्रवाई हुई। तो ऐसे ऐसे कुंवर भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों है, ऐसे कुंवर भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों है। हाँ तो वो झील वाला भी खोल दीजिए फिर, रुकिए संगीता शर्मा जी, अब ये स्वच्छता की राजनीति साफ सुथरी कैसे होगी? आपने कहा जो कांग्रेस वही बीजेपी, जो बीजेपी वही कांग्रेस, यानी कांग्रेस बीजेपी कुछ है ही नहीं, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। जी बिल्कुल, एक दूसरे के नेताओं में जाइए तो उसको मुखर होकर के आवाज उठाइए, बस इनका यही कार्पण करके गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऑल वेदर रोड टनकपुर से लेकर हुआ, इनके खुद के लोहाघाट के विधायक जी ने भ्रष्टाचारों तक चला। तिलक भाई अगर आपके संज्ञान में हो, इनके जो विधायक है वो खुद ही अपनी पार्टी पर भ्रष्टाचार चल रहा है, भाई उसे उजागर कीजिए। लेकिन जहां तो ये भाजपा का ऐसा चाल चरित्र रूप है, अभी केवल धामी जी जब से मुख्य प्रिंट मीडिया और होर्डिंग्स में, तो ये जनता 50% ग्रेड पे की बात करें तो वो संगीता जी तो बहुत दिक्कत आ रही है, सिग्नल में बहुत दिक्कत आ रही है। नहीं सिग्नल में बहुत दिक्कत आ रही है, अब ये मत बोलिएगा कि इसके लिए कुंवर जुपेन जिम्मेदार है। अब मैं नहीं नहीं आप बोलती बहुत अच्छा है, लेकिन आप आज डिस्कनेक्ट हो रहे, बार बार सिग्नल में प्रॉब्लम आ रही है, आप आराम से बोलिए संयम के साथ। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ये स्वच्छता की राजनीति की ओर कैसे कदम आगे बढ़ाया जाए, ये भी तो बताइए। अगर ये सारे गुनहगार हैं तो राजनीति स्वच्छ कैसे होगी? सिर्फ कनेक्ट नहीं हो पा रही संगीता जी, आप बता देते, इनके पास जवाब नहीं है, आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की स्थिति में निकल के आ रही हैं, जिस तरह की नेताओं को इन्होंने दरकिनार कराया पे, तो निश्चित तौर पर इनके पास इसका जवाब नहीं है। राजनीति भ्रष्टाचार मुक्त मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही प्रयास कर रहे हैं, राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास चल रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाए, सत्ता के भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दृष्टि से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणालियां बन रही हैं, निश्चित तौर पर उसका लाभ आने वाले समय में राज्यों में और देश में। संगीता जी भ्रष्टाचार ही भाजपा ने किए हैं जी, अच्छा सारे भ्रष्टाचार भाजपा से ज्यादा भ्रष्टाचार करती हुई आई है। इन्होंने तो कोरोना में भी अफसर मंत्री विधायक जब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, हम उस देश में पैदा हुए हैं जो 12 वर्षों तक गुलाम रहा,
1200 वर्षों तक गुलाम रहा, हमने अपने इतिहास से भी कुछ नहीं सीखा। उस इतिहास से सीखिए कि जब जे इस गुलामी के भारत में भी चंद चेहरे ऐसे थे, चंद परिवार ऐसे थे, चंद ऐसे थे जिन्होंने देश की अस्मिता के खातिर हमने उस गुलामी से भी नहीं सीखा। तब भी हम बटे हुए थे स्वार्थों में, आज भी हम बटे हुए हैं स्वार्थों में। हरक सिंह रावत पे आइए ना। अच्छा और चले गए, कुंवर साहब कैसे रोकेंगे आप? उनका इतिहास रहा है कि वो अकेले नहीं जाते, समझ रहे आप, टोला लेकर जाते हैं, टोला। ठीक है, अब आपने उनका इतिहास तो बता दिया, अब आप ये बताइए कि ऐसे इतिहास के साथ उत्तराखंड का भविष्य कैसे लिखा जाएगा? मान लिया हमने आपने उनका जो इतिहास बताया, हमने मान लिया आपने 2016 में क्यों नहीं सोचा? जब बस में सबको सवार कर रहे थे विधानसभा के बाहर, रुकिए ना संगीता जी, एक मिनट रुकिए। भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ राजनीति के मंच पे सबको मौका दिया जाता है, जो स्वच्छ राजनीति के सांचे में अपने आप को ढाल लेगा, जो विकास पूर्वक राजनीति के ढांचे में अपने आप को ढाल लेगा, जनता उसे बार बार स्वीकार करेगी, और जो स्वार्थ की राजनीति, भ्रष्ट राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, इन 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 चीजों से अपने आप को नहीं अलग कर पाएगा, नहीं बदल पाएगा, तो निश्चित तौर पर ये फिर जनता देख रही है, सुन रही है, और जनता उसका जवाब भी देगी। कुंवर भाई, जब 2016 में विधानसभा के बाहर एक बस खड़ी थी, जब उस बस में सवार कर रहे थे सबको, तब सोचते ना? और जब चार्टर्ड प्लेन में जब चला रहे थे आप इनको, कुछ ही घंटे में चार्टर्ड प्लेन आ गया, उस बस में, तिलक भाई, उस बस में और उस चार्टर्ड प्लेन में चढ़ने की पहली शर्त ये थी कि भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, भ्रष्टाचार मुक्त कार्य प्रणाली, विकास पूर्वक राजनीति, उत्तराखंड वासियों के हित की बात, उत्तराखंड वासियों के हित की जो चाह रखते हैं वो इस बस में और इस चार्टर में चढ़ जाइए। तो उनमें से जो सवाल घुमा दिया, अकेले कर रहे जाएंगे, जो कुछ लोग भ्रम में थे और जिनको 5 है 5 वो समय आने पर फिर निकल जाएंगे, फिर गुस्सा करेंगे बीजेपी नेता, फिर गुस्सा हो जाते हैं मेरे से। 5 है 5 5 समझ रहे, 5 फिर बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। 2 महीने पहले भी हिंट दिया था वो मगरमच्छ वाला, जो हरीश रावत जी ने ट्वीट किया था, फिर बता रहा हूँ कुंवर भाई, 5 है 5 रोक लोगे? हमारे रोकने या ना रोकने का सवाल नहीं है, यहाँ ये नैतिक जिम्मेवारी आपकी भी बनती है कि आप जो प्रदेश हित के मुद्दे हैं, प्रदेश हित के चेहरे हैं, आप उनको आगे बढ़ाइए, और जो जिन्हें आपको भी लगता है कि ये इस तरह की राजनीति के मंझे हुए चेहरे हैं, तो उन्हें एक्सपोज करना मीडिया का भी काम है, और हमें भरोसा है कि हमारे तिलक जी इस काम को बखूबी करते हैं, जनता के हित की बात करना, प्रदेश के हित की बात करना, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो। हम आपकी सभी डिबेटें देखते हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, निश्चित तौर पर जिस तरह से हम लोग जो प्रयास करते हैं स्वच्छ राजनीति का, वो स्वच्छ राजनीति के प्रयास में आपके योगदान की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है तिलक जी। कुंवर जी, कुंवर जी, अब मुझे एक बार बताइए, संगीता जी से मैं कनेक्ट कर रहा हूं, कहना चाहूंगी, एक बोलिए संगीता जी, बोलिए बोलिए। विधानसभा में कुंवर मंत्री वो आप बनाते हैं कैबिनेट मंत्री, तो आपने क्यों बना? अब ये सत्र के नंबर मत दीजिए, आप बात कर रहे हैं संगीता मैडम, एक बार मौका दिया, एक बार सुधरने का मौका दिया, नहीं सुधरे तो ठीक है, दोबारा भारतीय जनता पार्टी के मंच पे ऐसा मौका नहीं मिल सकता, जीवन में कभी नहीं मिल सकता। सुधरने का मौका दिया कुंवर भाई, सुधरने का मौका दिया आपने हरक सिंह रावत, तो बहुत धन्यवाद आपने कुंवर साहब, हरक सिंह रावत को सुधरने का मौका दे दिया। अच्छा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन ने उन्हें एक स्वच्छ राजनीति का चेहरा बनने का मौका दिया, लेकिन अगर वो चूक गए तो निश्चित तौर पर इस सच्चाई को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और उत्तराखंड की जनता भी जानती है। चुनाव हरा देंगे उनको आप जी? चुनाव हरा देंगे उनको? उत्तराखंड की जनता उन्हें चुनाव हराने के लिए तैयार बैठी, वो जिस भी विधानसभा में जाएंगे आप देखिए तो सही, आज आज उन्होंने अपनी स्थिति क्या बना ली है, क्या दुख होता है, उनके अंदर पोटेंशियल था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी स्वार्थ की राजनीति और अपने
जो व्यक्तिगत हित है थोड़ा सा उनसे बाहर निकल के राजनीति को आगे बढ़ाना था, जिसमें निश्चित तौर पर वो चूके। अच्छा कुंवर साहब, क्योंकि अभी संगीता जी जुड़ रही है मेरे साथ, मैं कोशिश करूंगा पीसीआर से बोलूंगा अपने सहयोगियों से कि प्लीज कनेक्ट करिए संगीता जी को, क्योंकि कांग्रेस के नेता का भी इंतजार हो रहा है। लेकिन कुंवर साहब, अब देखिए एनएच वाले भी चले गए, जिनके ऊपर धन सिंह रावत जी ने कहा कि वो पुराना एक बयान था ना धन सिंह रावत जी का, जहां से लड़कियां गायब हो जाती हैं, पूछ लेना हरक सिंह रावत तो नहीं आया, चलिए वो भी चले गए। अब वो स्कूटर के नंबर गिनवाए, कहीं वो भी नहीं चले जाए तो स्कूटर के नंबर वाले। तिलक जी, हमने आपसे पहले कहा, शुरुआत में कहा कि आप इस उत्तराखंड की राजनीति के साफ सुथरे और स्वार्थ की राजनीति करने वाले सभी चेहरों को बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है और निरंतर प्रयास है कि प्रदेश हित की राजनीति हो, और कम से कम एक राष्ट्रीयता की भावना से, प्रदेश हित की भावना से आम उत्तराखंड वासी के, आम उत्तराखंड के तो उसमें तो ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो सभी सभी राजनीतिक दलों के उन चेहरों के, उन चेहरों के ऊपर से नकाब भी उतरेगा और उनका जो, उनके लिए जो चार लाइनें लिखी जाएंगी वो बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो निश्चित तौर पर ये तो कर्मों का फल है, कथनी और करनी का फर्क नहीं होना चाहिए, हम जैसे कर्म करेंगे उन्हीं कर्मों के आधार पर हम पहचाने जाएंगे और उसी तरह से हमारे बारे में लिखा जाएगा। कुंवर साहब आप देखिए ना, इतना रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं हरक सिंह रावत, आप लोगों ने कोटद्वार में उन्हें काम नहीं करने दिया, वो कोटद्वार का विकास करना चाहते थे, वो कोटद्वार की तस्वीर बदलना चाहते थे, वो इसलिए रो रहे हैं, वो पश्चाताप के आंसू नहीं है ये, समझ रहे हैं आप, वो रो रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने काम नहीं करने दिया उनको। आप जरा कोटद्वार में अपनी टीम भेजिए और कोटद्वार के आम जनमानस से आप जरा 100 लोगों की बाइट ले लीजिए, देखिए कि उन 100 लोगों में से 80 लोग क्या आपको कहते हैं, सारे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कुंवर भाई, मैं जो है ना इतिहास के पन्नों को पलटने के साथ साथ मैं बहुत कुछ लेकर बैठता हूँ। जिस मेडिकल कॉलेज को लेकर पीठ थपथपा रहे थे ना जनाब, वो मेडिकल कॉलेज का 2 बार उद्घाटन हो चुका है, 5 करोड़ की लागत से 4 दीवारी हो चुकी है उसकी, जो शिलान्यास जहां जहां हुए है ना मेरे को सब पता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने उन्हें काम नहीं करने दिया, वो इसलिए रो रहे हैं, आंसू इसलिए निकल रहे हैं। आज आपको बुरा लग रहा है, डबल इंजन वहां से जाता है। आपके संज्ञान में ये भी होना चाहिए था कि किस तरह से उन्होंने अपनी मनमर्जी करते हुए 20 करोड़ एक ऐसी कार्यदायी संस्था को रिलीज कर दिए थे जो निश्चित तौर पर कहीं पे भी सक्षम नहीं थी, तो वो संगठन की तरफ से उन्हें चेताया गया, उन्हें बताया गया, उस रकम को वापस लाने के प्रयास किए गए, जितने अधिकारी उसमें शामिल थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, स्वार्थ की और मैनिपुलेटिंग राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाता। ठीक है, उन्हें समय दिया गया, भारतीय जनता पार्टी का दिल बहुत बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का दिल बहुत बड़ा है, उन्हें समय दिया गया, उन्हें मौका दिया गया, अगर समय और मौके का उन्होंने सदुपयोग नहीं करा तो इसमें उत्तराखंड की जनता का भी दुर्भाग्य है और हमारा भी दुर्भाग्य। अच्छा दुर्भाग्य उत्तराखंड की जनता कोटद्वार का, जो इन्होंने उनको मौका दिया, तो ये भ्रष्टाचार कर रहे थे वहां पर। आप ही ने तो अभी बात बताई, आपने तो 5 करोड़ की बात बताई, हमने आपको 20 करोड़ की बात बताई। अच्छा आपको पता है संगठन की तरफ से उनसे जवाबदेही भी हुई उनके ऊपर, उन्होंने बताया गया, उन्हें बताया गया, तो ये भ्रष्टाचारी भी हो गए, आप इससे नकार नहीं सकते है ना। तो ये इस तरह की राजनीति और एक मजबूत स्वच्छ राजनीति का जो मंच है वो मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के मंच से भ्रष्ट राजनीति को किसी भी तरह से आगे पनपते हुए आप नहीं देखेंगे। ओके, वो कह रहे हैं कि आज के बाद तोबा ना बाबा ना, हरक सिंह रावत जैसे लोगों को नहीं लेंगे पार्टी में। हरक सिंह रावत ने बहुत नुकसान पहुंचाया बीजेपी, अभी तो आप देखिए कि ये किस किस को ये पार्टी में लेते हैं, उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया है, क्या पता उसके बाद वो फिर भाजपा। जब कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म कोई पार्टी शुरू करती है, केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सिंह रावत जी तो शुरू से ही पैसा पॉलिटिक्स के लिए फेमस रहे हैं, उन्होंने चाहे कांग्रेस में राजनीति की चाहे उन्होंने भाजपा में, वो प्रेशर पॉलिटिक्स ही करते हैं। भाजपा शासित राज्यों में कार्य चल रहा है और निश्चित तौर पर कार्रवाइयां भी हो रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण हरक सिंह रावत जी की बर्खास्तगी है।
कुंवर भाई, कुंवर भाई आप भी देहरादून में, मैं भी देहरादून में इत्तेफाक से। मैं आपको बताऊं कुंवर भाई, जब वो निकले थे ना दिल्ली के लिए साहब, तो एक आप ही के बीजेपी के विधायक की गाड़ी में ही गए हैं, समझ रहे हैं सर? और वो डोई वाला जहां सीट की डिमांड कर रहे हैं ना, वो डोई वाला की पड़ोसी सीट है, उन्हीं की गाड़ी में गए हैं। दिल्ली जो गए हैं उन्हीं की गाड़ी में गए हैं। अभी हरिद्वार वाले भी इंतजार कर रहे हैं कुछ कि सिग्नल आ जाए हरी झंडी। देखिए निश्चित तौर पर हम दाद देते हैं आपकी इंटेलिजेंस की, कि जो चीजें जो या तो आपके पास कोई ऐसी रिद्धि सिद्धि है कि जो घटनाक्रम होने वाला है, क्योंकि यहाँ तो आप ये है कि यहाँ आप कुछ लोगों के चरित्र को इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं, आप उनकी रगों को इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं कि आपको पता रहता है कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चिंता केवल उत्तराखंड का विकास है, उत्तराखंड के अंदर स्वच्छ राजनीति है, उत्तराखंड के अंदर स्वच्छ चेहरों को राजनीतिक रूप से काम करने के लिए आगे बढ़ाना, ये तूफान आ चुका है। तिलक जी आप अगर देखें तो कई बार बहुत तूफानों को रोकने की बहुत कोशिश की, हमेशा तूफान तबाही के लिए नहीं आता, कई बार तूफान जो है गंदगी को किनारे लगाने के लिए भी आते हैं। तो निश्चित तौर पर इन तूफानों को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि ये जो 2022 का तूफान है, 2016 में तूफान आया था, 2022 में भी तूफान आ रहा है, गंदगी को राजनीतिक तौर से पूरी तरह से साफ करने वाला भरोसा। एक मिनट सुन लीजिए ना, संगीता जी कुछ कहना चाहिए, बोले संगीता जी। संगीता जी मैं कह रही हूँ 2016 में एक तूफान आया था, 2022 में भी तूफान आ रहा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि तब अच्छा अभी सिग्नल का तूफान आ रहा है, सियासी तूफान। चलिए चलिए हम इनकी बात को जवाब दे देते हैं, हम इनका इशारा समझिए। 2000 भाई सिग्नल ही ठीक करा दीजिए, आपकी सरकार है उत्तराखंड में, थोड़ा सा ये सिग्नल भी ठीक करवा देते तो कम से कम डिबेट तो अच्छे से हो पाती। नहीं 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 नहीं, सिग्नल देखिए हमारा ठीक है, तिलक जी का ठीक है, ये सिग्नल हमारा ठीक आ रहा है, तिलक जी का ठीक आ रहा है, बाकी सब लोगों का ठीक आ रहा है, लेकिन आपका ठीक नहीं आ रहा, तो ये कहीं ना कहीं ये डिफेक्ट जो है आपके सिस्टम में है, ये और वही सिस्टम का डिफेक्ट जो है दिल्ली से लेकर पंजाब तक नजर आ रहा है। और निश्चित तौर पर चंपावत उत्तराखंड का ही हिस्सा है, मैं चंपावत में ही बैठी हूँ, यहाँ सैटेलाइट अलग से नहीं आ रहा, बस ये बात अलग है, आप देहरादून में बैठे हैं। अच्छा पार्टी पार्टी फंड से जो है वो वाईफाई लगवा देंगे, ओके वाईफाई लगवा देंगे पार्टी के फंड से, ओके जैसे दिल्ली में लगे ना वाईफाई, सब जगह वाईफाई में ही हाल है। मुद्दे पे आइए संगीता मैडम, अब बताइए ये स्वच्छता की राजनीति को कुंवर साहब कह रहे हैं तो हम बदल रहे हैं ना, हरक सिंह रावत को लेकर किसी के अंदर इतनी हैसियत थी कि हरक की हैकड़ी को तोड़ दे, हमने निष्कासित किया, हमने उनको हटाया, हमने उनको भ्रष्टाचार नहीं करने दिया, इसलिए वो निकले। देखिए यही बात जब किशोर उपाध्याय जी के साथ हुआ तो कांग्रेस भी यही बोल रही थी, जब किशोर उपाध्याय जी के साथ हुआ तो कांग्रेस भी यही कह रही थी, और आज जब भाजपा ने ये किया तो भाजपा भी यही कह रही है कि ये हमने किया है केवल, तो ये दोनों ही पार्टियों का एक ही चेहरा है, अलग नहीं है। उन्होंने जब चैंपियन को बर्खास्त किया और 3 साल का बर्खास्त करने के बाद इन्होंने पहले ही उन्हें पार्टी में अपनी ले लिया, तो ये तो इनका चेहरा है, अभी 6 साल के लिए बर्खास्त किया है, क्या पता उन्हें पहले ही अपनी पार्टी में ले लेंगे। भाजपा कांग्रेस का कोई चाल चरित्र और चेहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ही राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सक्षम है, इस बात को आज नहीं तो कल प्रत्येक उत्तराखंडवासी मानेगा, प्रत्येक उत्तराखंडवासी मानेगा, जनता सुन रही है, जनता सुन रही है, जहां जहां आपने भ्रष्टाचार किए जनता को सब पता है, अंकुश लगाने में मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, ये आपके माध्यम भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही भ्रष्टाचार करती है, तो वो लगाम क्या लगाएगी? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी सक्षम है।
कोई आपके भ्रष्टाचारों की फहरिस्त बहुत लंबी है कुंवर भाई, बहुत लंबी। आप तो आचार संहिता से पहले भी भ्रष्टाचार कर रहे थे, राजनीतिक दल के अंदर भ्रष्टाचार विभाग में ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंच पर राजनीतिक भ्रष्टाचारों पर अंकुश लगाया जाता है, चेतावनियां दी जाती हैं, बर्खास्त किए जाते हैं, तो ये स्वच्छ राजनीति का मंच देश से लेके राज्यों तक भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, जिसके सुखद एहसास समय में देश की जनता को भी होंगे और प्रदेश की जनता को भी होंगे। अच्छा कुंवर साहब, हरक सिंह रावत के जाने से बीजेपी को नुकसान होगा कि नहीं? हरक सिंह रावत जी के जाने से किसी को नुकसान नहीं होता, उनके किसी विधानसभा में जब वो बैठ जाते हैं वहां नुकसान होता है। आप बात को समझे, हरक सिंह रावत जी के दल का नुकसान नहीं है, जिस दल में वो रह गए तो कहीं ना कहीं वहां, या अब देखिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम मौका दिया था उनकी कार्यप्रणाली और उनकी छवि को कहीं सुधारने का, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी देखिए है तो वो भी देश के वासिना, और जिस तरह से घर में चार भाई होते हैं और उनमें से दो बहुत अच्छे होते हैं, एक एवरेज होता है, एक निकम्मा होता है, तो पिता उसे निकाल तो नहीं देता ना, लेकिन उसे सुधरने का मौका, लेकिन अगर उसे बार बार सुधरने का मौका देने के बाद भी वो बच्चा नहीं सुधरता तो पिता कहीं ना कहीं उसे घर से दहलीज से बाहर खड़ा कर, बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, जो नुकसान हुआ कोटद्वार की जनता का हुआ। ओके ओके कुंवर साहब, यानी आपको नुकसान नहीं हुआ, कोटद्वार की जनता को नुकसान हुआ, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे, कोटद्वार की जनता के नुकसान की भरपाई तो सरकार ने करी है ना, भारतीय जनता पार्टी ने करी है ना, आप जाइए ना कोटद्वार की जनता से पूछ के आइए, निश्चित तौर पर जो नुकसान हुआ उसकी आगे भी भरपाई करने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, संगठन करता है, और आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी निश्चित तौर पर कोटद्वार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हाँ हाँ, कोटद्वार पर पहले भी खंडूरी जी थे तब भी ध्यान दिया गया। मेरा सवाल ले लीजिए अगला, हरक सिंह रावत भ्रष्टाचारी थे कि नहीं? हरक सिंह रावत जी पर समय समय पे भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे और अभी भी कुछ जांचें लंबित हैं और निश्चित तौर पर काफी चीजें निकल के आई, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, लेकिन संगठन और सरकार की तरफ से उन्हें बार बार चेताने का प्रयत्न किया गया, उनकी कार्यप्रणाली भ्रष्टाचारी है कि नहीं, हरक सिंह रावत भ्रष्टाचारी है कि नहीं? ये 14 फरवरी के बाद सरकार को आ जाने दीजिए, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि अभी उसमें कई चीजों में जांच चल रही है, तो निश्चित तौर पर कई चीजें ऐसी हैं जो अभी भी हमारे मुख से बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो सारी चीजों का जो अर्थ है ना वो निकल के आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, मतलब वो भ्रष्टाचारी, यकीन मानिए, फाइलें खोलने दीजिए, चीजें निकल के आने दीजिए, आप हमारा भी अंदाज जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते कहीं भ्रष्टाचार की बू आई है तो निश्चित तौर पर सैकड़ों कुंवर चपेंद्र भारतीय जनता पार्टी में है जो भारतीय जनता पार्टी के मंच पे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का मौका नहीं दे। हरक सिंह रावत ने जो है, हरक सिंह रावत को आपने धोखा दिया या हरक सिंह रावत ने आपको धोखा दिया, मतलब बीजेपी ने हरक सिंह रावत को धोखा दिया या फिर हरक सिंह रावत को बीजेपी ने धोखा दिया? हरक सिंह रावत जी ने अपने आप को धोखा दिया, हरक सिंह रावत जी ने अपनी मातृभूमि को धोखा दिया, हरक सिंह रावत जी ने उत्तराखंड वासियों की जनभाव को धोखा दिया, हरक सिंह रावत जी ने जिस उद्देश्य से प्रदेश के अंदर काम होने चाहिए थे और बार बार उन्हें विभिन्न विधानसभाओं की जनता ने उनके ऊपर भरोसा करा, तो निश्चित तौर पर हरक सिंह रावत जी ने उन सबके साथ विश्वासघात करा, इससे बड़ा दुखद पहलू कुछ नहीं हो सकता। कुंवर साहब, हरक सिंह रावत राष्ट्रवादी थे कि नहीं? देखिए, इस देश के अंदर तिलक जी 148 करोड़ लोग हैं और इन 148 करोड़ लोगों में से किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ कि कौन राष्ट्रवादी है कौन नहीं है, लेकिन कार्यप्रणाली, काम करने का तरीका, अपनी माटी से प्रेम, अपने देश से प्रेम, अपने प्रदेश से प्रेम, अपने लोगों से प्रेम और ईमानदार और स्वच्छ तरीके से रहकर काम करना, ये बहुत लंबे समय के बाद ये साबित होता है कि कौन राष्ट्रवादी है। और मैं संगीता जी से फाइनल कमेंट लूंगा, मैं कुंवर साहब, अगर किसी ने वीडियो निकाल के हरक सिंह रावत को भेज दिया तो, जो आपने हरक सिंह रावत के बारे में कहा, आप ही भेज दीजिए, हमने कौन सा क्या कुछ गलत कहा, आप ही भेज दीजिए
और आपको क्या लगता है कि ये सूचनाएं उन तक पहुंच नहीं रही होंगी? जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड के आम जनमानस का दिल दुखाया है, बार बार दुखाया है, तो क्या क्या ये उन्हें शोभा देता है? क्या ये उन्हें शोभा देता है? और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंच में सरकार में उन्हें पूरा सम्मान दिया गया, उन्हें पूरा मौका दिया गया, उन्हें मौके के साथ साथ उन्हें अधिकार दिए गए, तो निश्चित तौर पर वो चूके हैं। और ये बात आप हमसे एक बार नहीं 10 बार कहला लीजिए। ओके आप ये कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत देख भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके संगीता शर्मा जी, फाइनल कमेंट आपका। उन्होंने कहा कि अभी रुक जाइए, 14 तारीख के बाद बहुत सारी फाइलें खुलेंगी जो हरक सिंह रावत ने भ्रष्टाचार की, क्योंकि देखिए अभी तक वो इन्हीं की पार्टी का हिस्सा थे, भाजपा में थे, तो इसलिए फाइलें नहीं खुल रही थी। राष्ट्रवादी थे, बिल्कुल सही थे, समस्या आ रही है सिग्नल में। ओके थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी विधायक इनकी पार्टी में कुंवर भाई बात तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब उनके पीछे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर भाई आपका भी। लेकिन ये उत्तराखंड की सियासत की हकीकत भी है, यहाँ दल बदल का खेल होता रहता है। लेकिन सवाल ये कि सिर्फ हरक सिंह रावत अकेले, और इस सवाल का जवाब कुछ ही घंटों के बाद मिल जाएगा, क्योंकि हरक सिंह रावत का इतिहास है कि वो अकेले नहीं जाते। अब सवाल ये कि कुछ हरिद्वार से विधायक मूव करेंगे या फिर कुछ पुराने साथी। अभी देखिए पिक्चर बाकी है, लेकिन ये तूफान से पहले की शादी। लेकिन इतना जरूर है, धोखा बीजेपी ने दिया या बीजेपी को हरक ने दिया। सबसे बड़ा धोखा तो उस जनता के साथ हुआ जिन्होंने ऐसे चेहरों को विधायक किया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।